दोस्तों ये वीडियो स्पेशली वैसे गर्ल्स के लिए है जो कि एक क्रिकेटर बनना चाहती हैं। आप लोगों ने YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियो देखा होगा जिसमें ये बताया जाता है कि क्रिकेटर कैसे बने, लेकिन बहुत ही कम वीडियो में ये बताया गया है कि लड़कियां क्रिकेटर कैसे बने। तो आज की वीडियो में आप सब लोग यही जानोगे कि लड़कियों के लिए क्रिकेटर बनने का सही प्रोसेस क्या है। मैं इस वीडियो में इसके लिए आपको पूरी जानकारी दूंगा कि एकेडमी कैसे ज्वाइन करें, एकेडमी ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना होगा, आप अपने डिस्ट्रिक्ट या फिर अपने स्टेट के लिए कैसे खेल सकते हैं, और साथ ही साथ आपको यही बताएंगे कि इंडियन टीम तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा या फिर लड़कियों के लिए इंडियन टीम तक पहुंचने का प्रोसेस क्या है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर किसी को भी क्रिकेटर बनना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसे सबसे पहले क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करना ही होगा। बहुत सारे ऐसे एकेडमीज होते हैं जिसमें सिर्फ लड़कों को ही प्रैक्टिस कराया जाता है, और कई एकेडमीज ऐसी भी होती है जिसमें लड़के एवं लड़कियां दोनों को प्रैक्टिस कराया जाता है। तो अगर आप एक लड़की हैं और एक क्रिकेटर बनना चाहती हैं तो आपको सबसे पहले अपने शहर में कोई ऐसी क्रिकेट एकेडमी पता करना होगा जहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराया जा सके। और अगर आपके शहर में कोई ऐसी एकेडमीज नहीं है तो जो भी एकेडमी है आपके शहर में वहाँ के कोच से आप पूछ सकते हो कि गर्ल्स के लिए आसपास कोई क्रिकेट एकेडमी है या नहीं। किसी भी कोच से संपर्क करने के बाद आपको वो सही जगह जरूर बताएंगे, क्योंकि हर कोच एक दूसरे कोच से संपर्क में रहते हैं। तो जब आप एकेडमी ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको सही गाइडलाइंस दिया जाएगा। और अगर आप एक ऐसी एकेडमी ज्वाइन करते हो जहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ प्रैक्टिस करती है तो वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप एक ऐसे एकेडमी ज्वाइन करते हो जहाँ पर सिर्फ लड़के प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर आपको भी लड़कों के साथ प्रैक्टिस करना होगा, और साथ ही साथ आपको लड़कों के साथ मैच भी खेलना होगा। लड़कों की एकेडमी में प्रैक्टिस करने का एक और फायदा है कि वहाँ पर आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगा, और लड़कों के बीच प्रैक्टिस करके आप अपने खेल को और भी ज़्यादा निखार पाओगे। और सबसे खास बात कि आप लड़कों के साथ खेल करके अपने डर को भी आसानी से निकाल पाओगे। और फिर जब आप एकेडमी लेवल पर लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करोगे उसके बाद ही आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर खेलने का चांस मिलेगा। कई राज्यों में गर्ल्स के लिए भी डिस्ट्रिक्ट का मैच होता है, और कई राज्यों में फिलहाल एक जोनल ट्रायल ऑर्गेनाइज कराया जाता है जिसमें राज्य की सभी लड़कियाँ पार्टिसिपेट करती है, और उनमें से कुछ अच्छे परफॉर्मेंस करने वाली लड़कियों को स्टेट कैंप के लिए बुलाया जाता है और वहाँ पर एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। जो लड़कियाँ कैंप में भी अच्छा परफॉर्म करती है उन्हें स्टेट टीम में जगह दी जाती है। अगर आप अपने स्टेट की टीम से खेलते हुए लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हो तो आपको इंडिया ये या फिर वुमेन्स T20 चैलेंज यानी कि वुमेन्स IPL में भी खेलने का मौका मिलता है, जहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करने के बाद ही आपको टीम इंडिया में चांस मिलता है। और जब आपका सिलेक्शन इंडियन वुमेन्स नेशनल टीम में हो जाता है तो आप एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बन जाते हो। दोस्तों किसी भी क्रिकेटर को इस सफर के दौरान काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब आपको मंजिल मिल जाती है तो सारा दर्द खुशी के आंसू बनकर के आंखों से बाहर निकलता है। और अगर आप एक लड़की हैं और सच में आप एक क्रिकेटर बनना चाहती हैं तो ये बातें आपको ध्यान से जरूर सुनना चाहिए। जब आप एक क्रिकेटर बनने के लिए सोचोगे तो उस समय आपके साथ कोई नहीं होगा, फिर जब आप क्रिकेटर बनने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाओगे तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि लोग क्या कहेंगे या फिर परिवार वाले क्या कहेंगे, और भी न जाने कितने सारे नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आने लगेगा। और ऐसा भी होगा कि लोग आपके बारे में बहुत कुछ कहेंगे भी। तो उस समय एक बात जरूर याद रखिए कि आज जो लोग आपको बुरा भला कहेंगे या फिर कहते हैं, कल वही लोग आपको सफल होने पर सर उठा करके कहेंगे कि ये मेरे गांव, ये मेरे शहर और ये मेरे बस्ती की लड़की है, और फिर आप न जाने कितने लोगों के लिए एक उदाहरण के तौर पर जाने जाओगे। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि कौन क्या कहेगा, बस एक बात सोचना कि हमें करना क्या है। और हाँ, हमेशा अपने ऊपर भरोसा रख करके आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जो आज नामुमकिन लग रहा है कल होकर के मुश्किल लगेगा, और फिर जब आप उस मुकाम को हासिल कर लोगे उसके बाद आप खुद कहोगे कि ये इतना भी मुश्किल नहीं था जितना कि मैं सोच रही थी। तो अगर आपने क्रिकेटर बनने के बारे में सोच लिया है तो एकेडमी ज्वाइन करो और खूब मेहनत करो। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो इस वीडियो को वैसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो कि आपकी तरह एक सफल क्रिकेटर बनना चाहती हैं। और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल खेल ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।